हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि कौन सी बीमारी में हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले टेस्ट हम आता है हमारा सीबीसी। सीबीसी को हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें आता है हमारा हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी और प्लेटलेट्स। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हमको बताता है कि हमारी बॉडी में पेशेंट में खून की कमी है कि नहीं है, यानी कि पेशेंट अनीमिक है कि नहीं है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा टीएलसी डीएलसी। टीएलसी डीएलसी में हम बेसिकली डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं। WBC आपका बेसिकली बताता है बॉडी में इन्फेक्शन है पेशेंट को कि नहीं है। आइदर इट इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर फंगल एलर्जी, कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में होगा तो आपका TLC DLC क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, थर्ड नंबर पे आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारा बताता है क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा प्लेटलेट्स। साथ ही साथ डेंगू के टाइम पे भी हमारा प्लेटलेट्स जो होता है वो बॉडी में कम हो जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें CBC में ज़्यादातर देखी जाती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है विडाल। विडाल जो होता है वो हम करते हैं टाइफाइड को चेक करने के लिए या फिर पैराटाइफाइड को चेक करने के लिए। ओके, टाइफाइड एक बीमारी होती है जिससे पेशेंट को एंट्रिक फीवर होता है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे हम, विडाल। नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा आर ए फैक्टर। आर ए फैक्टर का फुल फॉर्म होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर। ओके, रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब सही समझिए बिल्कुल आप, अर्थराइटिस मतलब गठिया, ठीक है, यानी कि जोड़ों में दर्द। क्या होता है बेसिकली, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जो फ्लूड होता है वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है और हमारी जो बोन्स होती हैं वो पास पास आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जब बोन्स मूव करेंगी, हम मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है, झुकते हैं वगैरह, तो उस टाइम पर क्या होगा, हमारी बॉडी में पेन होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट की, जो कि है हमारा LFT। LFT की फॉर्म होती है लिवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम बेसिकली देखते हैं बिलरुबिन, SGOT, SGPT और ALP। ओके, ये इसके इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। बिलरुबिन आपका बताता है जॉइंटिस के बारे में, यानी कि पीलिया के बारे में। साथ ही साथ जो SGOT, SGPT, ALP ये सब होते हैं, ये आपके बेसिकली फैटी लीवर को चेक करने के लिए करे जाते हैं या फिर अल्कोहलिक लीवर को चेक करने के लिए करे जाते हैं। पेशेंट ज़्यादा अल्कोहल तो नहीं ले रहा या फिर इनकी बॉडी में फैट ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उस टाइम पर भी आपका OTPT बढ़ जाता है। ओके, तो फैटी लीवर में बेसिकली क्या होता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से कि एक हेल्दी लीवर इस तरीके का दिखता है आपको, जबकि एक फैटी लीवर जो होता है उसमें आपका फैट डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। ओके, फैट डिपॉजिट भी आपके काफ़ी टाइप के होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा KFT। KFT की फॉर्म होती है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में हम देखते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड। ओके, इसके अलावा हम कैल्शियम प्रोटीन्स भी KFT के अंदर ही देखते हैं। ये क्रिएटिनिन जो होता है वो बेसिकली हम डायलिसिस पेशेंट के लिए भी चेक करते हैं। क्रिएटिनिन की वैल्यू मेंटेन करना बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जो यूरिक एसिड होता है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है जोड़ों के दर्द के टाइम पे, ठीक है, किसी को अगर जोड़ों में जॉइंट्स में पेन होगा तो आपका यूरिक एसिड भी चेक करा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा लिपिड प्रोफाइल। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा हार्ट, तो लिपिड प्रोफाइल जो टेस्ट होता है उसमें आता है हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। लिपिड प्रोफाइल हम उन लोगों के लिए कराते हैं जो लोगों में चर्बी ज़्यादा होती है, जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में आपने सुना होगा गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये वाला तेल खाना चाहिए, ये वाला तेल नहीं खाना चाहिए या फिर कम खाना चाहिए। तो वो आपकी हमारी बॉडी में जो HDL है या फिर LDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये हमारी बॉडी में मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा कि आपकी जो नॉर्मल आर्टरी होती है, यानी कि आपकी जो नॉर्मल ब्लड वेसल होती है, उसमें ब्लड इजीली फ्लो कर पाता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होने लग जाएगा, आपकी बॉडी में ज़्यादा लिपिड डिपॉजिट होने लग जाएगा, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो ढंग से फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एक टाइम पे कंप्लीट ब्लॉकेज हो सकती है और पेशेंट को फ्यूचर में हार्ट अटैक के चांसेस भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है डायबिटीज़। इसमें हम तीन टेस्ट करते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर PP और HbA1c। ब्लड शुगर फास्टिंग जो होता है वो खाली पेट होता है, ब्लड शुगर PP जो होता है वो खाना खाने से 2 घंटे के बाद होता है, और हमारा जो HbA1c होता है वो आपका पिछले 3 महीने का शुगर लेवल हमारी बॉडी में क्या था वो बताता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी कुछ शुगर के टेस्ट करे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल GTT एंड GCT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ओके, तो ये एक छोटा सा लेक्चर था आपका कि कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट कराया जाता है। अगर आपको इस वीडियो के और भी पार्ट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछिए। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।